गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। चैप्टर है हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें एक टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, देखिए, व्हेन ए नंबर ऑफ लोड्स आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी पर लगने वाले जितने भी भार हैं, द रिजल्टेंट स्ट्रेन इज एल्जेब्रिक सम ऑफ स्ट्रेन्स कॉज्ड बाय इंडिविजुअल। यानी कि सभी में जो रिजल्टेंट यानी आखिरी में जो विकृति आएगी पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर, वो विकृति सभी जो एक एक बल लगे हुए हैं उनका जोड़ जो होगा वो उस विकृति के टोटल विकृति के बराबर होगा। यानी इसको समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है, ए ब्रास बार हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक ब्रास की छड़ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 1000 mm स्क्वायर, इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स। उसके ऊपर एक अक्षीय भार लगा हुआ है, एक नहीं बहुत सारे अक्षीय भार लगे हुए हैं, एज शोन इन फिगर, चित्र में जैसे दर्शाया गया है। फाइंड द टोटल इलोंगेशन, यानी टोटल इसकी लंबाई में जो परिवर्तन आएगा वो हमें ज्ञात करना है। इसके लिए जो मटेरियल है उसके लिए हमें E का मान दिया गया है 1.05 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट दी गई है, बार ब्रास की है ABCD। इसमें यहाँ पे 50 किलो न्यूटन का भार लगा हुआ है, यहाँ 80 किलो न्यूटन का भार लगा हुआ है, यहाँ 20 किलो न्यूटन का भार लगा हुआ है, यहाँ 10 किलो न्यूटन का भार कंप्रेसिव है। यहाँ मतलब अब इनकी सब और इनकी सबकी लंबाइयाँ दे रखी हैं L1, L2, L3। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले हम इनके इन सेक्शंस को अलग अलग बना लेते हैं। ये हमारे पास AB सेक्शन, ये हमारे पास, क्योंकि हमें BC, ये हमारे पास CD सेक्शन। ठीक है, अब देखिए हम AB सेक्शन पे देखिए तो यहां पे कितना भार लगा हुआ है, 50 किलो न्यूटन का, और कैसा है, टेंसाइल। तो 50 किलो न्यूटन का भार लगा दिया हमने टेंसाइल। जब इतना ही भार इधर लगेगा तो इसको स्टेशनरी यानी रोके रखने के लिए हमें इधर भी कितना लगाना पड़ेगा, 50 किलो न्यूटन। अब देखते हैं ये बी फेस यहाँ पे भी है, यानी यहाँ और यहाँ ये सेम एक ही फेस है, 80 किलो न्यूटन लगा हुआ है जिसमें से 50 किलो न्यूटन इसी डायरेक्शन में हम लगा चुके हैं, बचा हुआ कितना भार रह गया 30 किलो न्यूटन का, और वो उसकी दिशा कौन सी रहेगी, यानी 80 में से 50 लगा दिया, बचा कितना 30, और वो कैसे लगेगा, कंप्रेसिव। ठीक है, इसको स्टेशनरी रखने के लिए इधर से भी कितना लगेगा, 30 किलो न्यूटन का। अब ये देखिए सी फेस है, यहाँ पे देखिए ये सी फेस है और ये डी फेस है, ये सी फेस है और ये डी फेस है। आप यहाँ से सीधा ही करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि डी फेस पे कितना लगा हुआ है, कंप्रेसिव 10 किलो न्यूटन का। तो यहाँ पे भी कितना लगाना पड़ेगा आपको, 10 किलो न्यूटन कंप्रेसिव। देखिए जोड़ लीजिए इसको, इधर इस दिशा में कितना लग रहा है, 50 और 20 70, इधर देखिए तो, और ये 10 80, और इधर भी देखिए तो 80। ठीक है, ये हमने हर एक सेक्शन पे इंडिविजुअल लोड निकाल लिए हैं। अब हम देखते हैं गिवन क्या है, हमें गिवन है, एक तो हमें दिया गया है एरिया, एरिया कितना है 1000 मिलीमीटर स्क्वायर। दूसरा ई का मान दिया हुआ है 1.05 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, डेल एल। ठीक है, इलोंगेशन निकाल लिया, तीनों निकाल लिया हमने। अब हम तीनों पार्ट्स के लिए ये मान लेते हैं, पार्ट AB के लिए, ये पार्ट BC के लिए, ये पार्ट CD के लिए। तीनों को निकालेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। हमें पता है डेल्टा एल AB सेक्शन के लिए, इसका फार्मूला हमें पता है, P1 इसके ऊपर लगने वाला भार, लंबाई इसकी और इसका एरिया और इसका यंग्स मॉडुलस। ठीक है, इनकी वैल्यू रख देते हैं। P पे भार कितना लग रहा है, 50 किलो न्यूटन का, तो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, 50 × 10³। और इसकी लंबाई कितनी है, 600 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर में ही है, कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एरिया सबका कॉम समान है, तो कितना है इसका, 1000।
इंटू ई का मान दिया हुआ है 1.05 इंटू 10 की रेज टू पावर 5। ठीक है, यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एल ए बी सेक्शन के लिए उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2857। ऐसे ही हम इसके लिए निकाल लेते हैं डेल्टा एल फोर बी सी सेक्शन, इसके लिए भी फार्मूला क्या होगा, इस पे लगने वाला भार वो पी टू है, इसकी लंबाई एल टू, इसका एरिया और इसका यंग्स मॉडुलस। तो डेल्टा एल फोर बी सी सेक्शन, इसका बल कितना लग रहा है इसके ऊपर, 30 किलो न्यूटन में है तो न्यूटन में परिवर्तित कर लो, इंटू लंबाई कितनी है 1 मीटर, तो 1 मीटर को हम कन्वर्ट कर देते हैं मिलीमीटर में, एरिया कितना है 1000 यानी 1000, और यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे डेल्टा एल फोर बी सी सेक्शन, ये भी हमारे पास वैल्यू जो निकल के आएगी वो भी आएगी 0.2857, सेम आएगी उसी की तरह। ऐसे ही हम पार्ट सी डी के लिए निकाल लेते हैं, सी डी के लिए निकलेगा इस पे लगने वाला भार, इसकी लंबाई बटे इसका क्षेत्रफल इंटू इसका यंग्स मॉडुलस, डेल्टा एल फोर सी डी। ठीक है, सी डी इसके ऊपर भार कितना लग रहा है, 10 किलो न्यूटन का, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं, 10 × 10 की पावर 3, लंबाई कितनी है इसकी 1.2, तो ये 1200 मिलीमीटर हो जाएगी, और एरिया इसका हो जाएगा 1000 इंटू 1.05 इंटू 10 की रेज टू पावर 5, यही ई का मान दिया हुआ है। तो यहाँ से हम डेल्टा एल फोर सी डी सेक्शन निकाल लेते हैं, वो आएगी हमारे पास वैल्यू 0.1142 मिलीमीटर। ये सारी जो वैल्यूज आ रही हैं क्योंकि हमने दूरी को मिलीमीटर में रखा हुआ है। अब हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने तीनों सेक्शंस का निकाल लिया, और तीनों सेक्शन उस जो छड़ है हमारी उसके अंदर ये जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि तीनों का इंडिविजुअल जो इलोंगेशन इलोंगेशन आया है उनका जोड़ जो है वो टोटल के इलोंगेशन के बराबर होगा। पर यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है कि देखिए इसके ऊपर तो कैसा लग रहा है टेंसाइल, यानी इसकी लंबाई बढ़ेगी, इसके ऊपर कैसा है कंप्रेसिव तो इसकी घटेगी, और इसके ऊपर भी कैसा है कंप्रेसिव तो इसकी भी लंबाई कम होगी, यानी सी डी और बी सी सेक्शन की लंबाई कम होगी और ए बी सेक्शन की लंबाई बढ़ेगी, यानी टोटल डेल्टा एल जो है वो डेल्टा एल ए बी प्लस डेल्टा एल बी सी प्लस डेल्टा एल सी डी के बराबर होगा। अब यहाँ देखिए डेल्टा ए बी के लिए कितना मान है, 0.2857 प्लस, यहाँ पे बी सी के लिए है परंतु यहाँ पे बल कैसा लग रहा है कंप्रेसिव, तो ये किस में आएगा माइनस में, 0.2857 प्लस। सी डी के लिए देखिए सी डी में भी कैसा है बल कंप्रेसिव है तो माइनस में आएगा 0.1142। यहाँ से हम देखते हैं 0.2857 माइनस 0.2857 माइनस 0.1142, ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा माइनस में 0.1142, यानी इलोंगेशन आ गया हमारे पास माइनस में 0.1142 मिली मीटर। ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें शो ये कर रहा है कि जो हमारी छड़ है वो उसकी लंबाई बढ़ेगी नहीं, उसकी कम होगी, और कितनी कम होगी, माइनस है वो दिशा बता रहा है कि कंप्रेशन है। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब समझे कि जो टोटल इलोंगेशन आएगा पूरी छड़ में वो छड़ के हर एक भाग का जो अंदर स्ट्रेन डेवलप होंगे उनकी वजह से जो लंबाई में परिवर्तन होगा उन सबके जोड़ के बराबर, टोटल जो लंबाई में परिवर्तन होगा वो उसके बराबर होगा। थैंक यू।